गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम EVS में चैप्टर 17 वाटर रीड करेंगे। प्रीति वेंट टू राजस्थान विद हर क्लासमेट्स ऑन ए टूर फ्रॉम हर स्कूल। प्रीति जो थी राजस्थान गई अपने दोस्तों के क्लासमेट्स के साथ घूमने के लिए स्कूल की तरफ से। दे एंजॉयड द ब्यूटी ऑफ राजस्थान। देयर टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग। वैन दे कम अक्रॉस एन आर्टिफिशियल वाटर बॉडी द वे ऑफ विच वैन थ्रू स्टेयर्स, प्रीति आस्क्ड हर टीचर, मैम व्हाट इज दिस। उनके टीचर भी उनके साथ थी, वो हर जगह घूम रहे थे तो उन्होंने एक आर्टिफिशियल बॉडी देखी। आर्टिफिशियल वाटर बॉडी मतलब जैसे कि कृत्रिम पानी का जो बनाते हैं। तो प्रीति ने पूछा, मैम ये क्या है। देयर टीचर एक्सप्लेन, चिल्ड्रन इट इज़ ए स्टेप वेल कॉल्ड बाउली, कि ये एक सीढ़ी है जिसको हम क्या कहते हैं, बाउली। इट इज़ एन ओपन वेल इन विच वाटर इज स्टोर्ड, और ये खुला कुआ होता है जिसमें पानी को स्टोर किया जाता है। एक्रॉस टू वाटर इज थ्रू फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और इस पर सीढ़ियाँ बनी होती हैं। द वाटर ऑफ ए बाउली इज मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग एंड नॉट फॉर अदर पर्पज। इस पानी को सिर्फ पीने के लिए और खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता और किसी काम के लिए यूज़ नहीं किया जाता। दीज वर द वेल्स फ्रॉम वेयर पीपल इन द ओल्डन डेज कुड ड्रॉ देयर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और इन्हीं से पहले के दिनों में लोग अपना पानी लेते थे बाउली से। दिस वॉज वैन देयर वर नो पाइप्स एंड वाटर सप्लाई सिस्टम दैट आर अवेलेबल नाउ। पहले कोई पाइपलाइन वगैरह नहीं थी तो इसी तरह की सिस्टम था पहले। द किंग्स एंड रूलर्स यूज टू गेट स्टेप्स वेल कंस्ट्रक्टेड फॉर स्टोरिंग रेन वाटर। जो राजा महाराजा वगैरह थे वो इसी तरह के कुएँ बनवाते थे बाउली, पानी को स्टोर करने के लिए। उसमें बारिश का पानी स्टोर करके रखा जाता था। देयर वर मैनी बाउलीज इन डेली इन द ओल्डन डेज, और दिल्ली में भी पहले के दिनों में बहुत सारी बाउलीज होती थी। लेट अस ट्राई टू लर्न सम मोर वेज इन बाई विच पीपल गेट देयर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कौन कौन सी जगह से पानी लेते हैं लोग। मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन इंडिया हैव अक्रॉस टू वाटर टैप्स इन द हाउस इटसेल्फ और इन द नेबरहुड। भारत में ज़्यादातर घरों में नल लगे हुए हैं। दे आइदर गेट म्यूनिसिपल सप्लाई ऑफ वाटर और फिक्स सबमर्सिबल्स फॉर देमसेल्फ। या तो उसमें म्यूनिसिपल उसका पानी आता है नगर निगम का, या फिर सबमर्सिबल क्या होते हैं जो अपने आप से लोग लगवाते हैं, गहरा नीचे गहरा जो भूमिगत पानी होता है उसको लेने के लिए। देयर आर मैनी हु यूज़ ए मोटर टू ड्रॉ वाटर, कुछ लोग मोटर यूज़ करते हैं। द लोकलिटीज़ और इन विच वाटर इज स्कोर पीपल यूज टू स्टैंड इन बिग लाइन्स फॉर देयर टर्न। द वाटर इज सप्लाइड इन दीज एरियाज फॉर ए शॉर्ट टाइम, और कई जगह पर पानी कम टाइम के लिए आता है। देयर आर सम एरियाज वेयर म्यूनिसिपल पाइप लाइन्स आर नॉट लेड येट। म्यूनिसिपैलिटी सप्लाई वाटर टू दीज एरियाज बाई टैंकर्स, और कई जगह पर पानी नहीं आता है बहुत कम, तो ऐसी जगह पे जो नगर निगम वो अपने टैंकर भेजता है। इन सम एरियाज पीपल हैव टू गो लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फैच वाटर। इन विलेजेस पीपल हैव टू गो टू नियर बाय कैनाल रिवर वेल पॉन्ड टू फैच वाटर, और कई जगह पे खासकर राजस्थान वगैरह में लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता पानी को लाने के लिए। नेक्स्ट होता है प्याऊ। प्याऊ आपने नाम भी सुना होगा, प्याऊ ऐसे जो मतलब धर्मार्थ जगह होती है, जैसे पानी कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने कुछ पानी का वो रख देते हैं मटके वगैरह, या ऐसे प्याऊ बना देते हैं उसमें नल लगे होते हैं, और जो आते जाते राहगीर होते हैं उनको पानी पीने को मिल जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्याऊ। यू हैव अदर ऑफन सीन सम पीपल डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर टू द पासर्स बाय इन द मार्केट्स स्पेशली ड्यूरिंग समर सीजन, और आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर लोग ऐसी प्याऊ बनाते हैं लोगों को पानी पिलाने के लिए, रागीर जो होते हैं। टू क्वेंच समवन्स थर्स्ट इज ए होली डीड इन आवर कंट्री, क्योंकि हमारे देश में किसी की प्यास बुझाना
एक पवित्र काम माना जाता है, इससे बहुत धर्म लगता है ऐसा माना जाता है। इट इज़ बिकॉज नो वन कैन लीव विदाउट वाटर एंड इट इफ वी आर सप्लाइंग वाटर टू ए थर्स्टी पर्सन मीन्स वी आर सेविंग हिम। और अगर हम किसी को पानी पिलाएंगे तो हम समझिए कि हम उसकी जान बचा रहे हैं। यू कैन सी दैट सम पीपल अरेंज वाटर इन टब्स एंड ऑफर टू द पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट। और कुछ लोग अपने मटके वगैरह भी रखते हैं, टब रखते हैं और लोगों को पानी पिलाते हैं। मोस्ट ऑफ देम डू इट टू शो दैट दे केयर फॉर अदर पीपल। दिस इज़ ए फॉर्म ऑफ टेम्प्रेरी प्याऊ। और इनको हम टेम्प्रेरी प्याऊ कहते हैं, अस्थाई। जो ये स्थाई होती है वो अस्थाई होती है। सेम प्याऊ आर परमानेंट इन नेचर। यू कैन सी ए वाटर टैंक कंस्ट्रक्टेड ऑन द रोड साइड विद वाटर टैप्स। द पीपल हु सेट अप ए प्याऊ बिलीव दैट ऑफरिंग वाटर टू द थर्स्टी बेजेट्स देम साइलेंस एंड सेटिस्फैक्शन। और ऐसी प्याऊ जगह जगह पे बनाते हैं ताकि किसी की प्यास बुझ सके और उससे बहुत संतुष्टि मिलती है। इन द एंशिएंट टाइम द बाउलीज एंड प्याउज वर वेरी यूजफुल फॉर द ट्रेवलर्स। और पहले के दिनों में जो ये बाउलीज और ये प्याऊ थी यात्री के लिए बहुत फ़ायदेमंद थी। एज दे गेट वाटर ऑन द वे, क्योंकि उन्हें रास्ते में चलते चलते पानी मिल जाता था कहीं भी पीने के लिए। टुडे ऑल रेलवे स्टेशन एंड बस स्टेशन हैव एडिक्वेट अरेंजमेंट ऑफ वाटर। और आजकल हर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे पानी का अच्छे से इंतजाम है। स्टिल वी कैन सी प्याउज ऑन सेवरल बस स्टेशन एंड रेलवे स्टेशन स्पेशली ड्यूरिंग समर सीजन। फिर भी हम देखते हैं कि कई बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे प्याऊ होते हैं, खासकर गर्मियों के मौसम में। वाटर फॉर इरीगेशन, इरीगेशन मतलब सिंचाई करने के लिए। इन आवर कंट्री वी हैव ए लार्ज नेटवर्क ऑफ इरीगेशन कंप्रेसिंग रिवर्स कैनल्स पॉन्ड्स एट्सेट्रा। हमारे देश में खेतों में सिंचाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, जैसे नहर, नदी, तालाब। आवर फार्मर्स डिपेंड्स ऑन देम फॉर इरीगेशन इन देयर फील्ड। बिसाइड द फार्मर्स यूज सम अदर मीन्स टू इरीगेट देयर फील्ड्स, वी शैल स्टडी अबाउट ए फ्यू ऑफ देम। इन ऑर्डर टू यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन, वाटर मस्ट बी लिफ्टेड टू ग्राउंड लेवल सो दैट द फील्ड कुड बी वाटर्ड। सिंचाई करने के लिए पानी का स्तर सही होना चाहिए, तभी हम उसमें अच्छे से सिंचाई हो पाएगी। नाउ ए डेज दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल। और आजकल ट्यूबवेल की हेल्प ली जाती है। ट्यूबवेल्स आर एक्चुअली पम्प्स विच हेल्प टू पुल ग्राउंड वाटर। ये भूमिगत पानी को खेतों में पहुंचाते हैं। इन द ओल्डन डेज व्हेन सच मॉडर्न पम्प्स वर अनअवेलेबल, एनिमल्स और ह्यूमंस देमसेल्व हैड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। और पहले जब पुराने दिनों में ये हैंड पम्प्स नहीं थे, तो जो जानवर होते थे या इंसान, वो ही पानी, भूमिगत पानी को खेतों तक पहुंचाते थे। लेट अस लर्न अबाउट सम एंशिएंट मीन्स ऑफ ड्रॉइंग वाटर। ये ड्राइंग वो वाला ड्राइंग नहीं है, ये ड्राइंग मतलब पानी खींचना। तो अभी हम कुछ पुराने साधनों को पढ़ेंगे जो खेतों में काम आते थे सिंचाई करने में। सबसे पहले डेंकली, ये डेंकली ऐसा होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पाउच और शेड अप। इट इज़ ए हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। ये हैंड, हाथ से, हाथ का डिवाइस था पानी को ऊपर उठाने के लिए। इन इट ए पोल इज unevenly mounted as a seesaw, with one end having a bucket and the other having a counterweight which helps to lift the bucket up. The water is drawn by pushing down the bucket into the water and the filled buckets get lifted by the counterweight. This was invented in ancient times and still used in India, Egypt and some other countries to irrigate land. और ये इस तरह का जो साधन था, इसमें बाल्टी से ऐसे पानी करते थे और उसको खींच के फिर ये खेतों में जाता था। ये इजिप्ट, मिस्र में भी इस्तेमाल होता था देश जो है, और भारत में भी इस्तेमाल होता था। वाटर व्हील, ये ऐसी होती थी वाटर व्हील। द वाटर व्हील इज ए सिंपल मैकेनिकल डिवाइस यूज टू कन्वर्ट वाटर पावर इंटू रोटरी मोशन। ए वाटर व्हील वर्क्स ऑन इट्स प्रिंसिपल दैट व्हेन वाटर
undergoes a controlled change in elevation, the falling water is a source of power and will turn the axle of the water wheel. ये भी खेतों में सिंचाई करने का एक साधन होता था, जो ऐसे ये देखिए पानी को वो खींच कर और फिर खेतों में ऐसे धकेल देता था. पर्शियन व्हील, ये पर्शियन व्हील ऐसा होता था. इन ए पर्शियन व्हील ए व्हील अटैच्ड विद बकेट्स इज अलाउड टू बी सबमर्ज इन द वाटर. इसमें एक साथ में बाल्टी जुड़ी होती थी. एज द व्हील इज टर्न यूजिंग ए ब्लॉक, और जैसे ही ये बैल इसको खींचता था, द ब्लॉक रोटेट द बकेट रोटेट ब्रिंगिंग वाटर टू द ट्रो विच कैरीज वाटर टू द फील्ड. जैसे ही बैल इसको खींचता था, बाल्टी में पानी भरता था और वो बाल्टी का पानी खेतों में जाता था और सिंचाई होती थी. नेक्स्ट हमारा है आर्किमेड्स स्क्रू. ये इस तरह का होता था. द आर्किमेड्स स्क्रू इज सेट एट ऑन इंसुलेशन एज टू हैव इट्स लोएस्ट थ्रेड इन द वाटर कोर्स. एज इट इज रिजॉल्व द वाटर एट द लोएस्ट थ्रेड रीच्ड द हायर थ्रेड्स सक्सेसिवली. दिस वाइल वाटर कंटिन्यूज टू बी लिफ्टेड बाय द लोएस्ट थ्रेड. इट इज ऑल्सो एन efficient method of lifting water. Beside water, it can also be used for lifting other past as mud, sand, gravel, etc. ये जो था, ये पानी का स्तर, पानी को निकालने के अलावा ये कीचड़ और मिट्टी वगैरह को भी निकालने में काम आता था. What floats, sinks or mix? क्या क्या चीज़ डूबती है, तैरती है या मिक्स हो जाती है. टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ट्राई द फॉलोइंग टू एक्टिविटीज़. हम टू एक्टिविटीज़ करते हैं. टेक वन ग्लास ऑफ वाटर एंड टू स्पूनफुल शुगर. एक ग्लास पानी लेंगे और उसमें दो चम्मच चीनी डालेंगे. नाउ मिक्स द शुगर इनटू द वाटर विद द हेल्प ऑफ ए स्पून. और उसको मिलाएंगे चम्मच की हेल्प से. नाउ टेक ए ग्लास फुल ऑफ वाटर एंड टू स्पूनफुल सैंड. अब एक ग्लास पानी लेंगे और उसमें दो चम्मच रेत डालेंगे. Try to mix the sand into the water with the help of a spoon. अब उसको मिलाने की कोशिश करेंगे. What difference do you observe in both activities? The sugar disappears. After some time and the sand did not. आप देखेंगे कि चीनी तो पानी में घुल जाती है लेकिन रेत नहीं घुलता. Why is it so? This is because sugar mixes in water while सैंड डज नॉट. क्योंकि जो चीनी है वो उसमें घुल जाती है, रेत नहीं. सैंड एब्जॉर्ब द वाटर बट डज नॉट मिक्स विद इट एंड लेयर्ड डाउन इन द ग्लास. जो मिट्टी है पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और तली में बैठ जाती है. दस द सब्सटेंसेज विच मिक्सिस और डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सोल्यूबल सब्सटेंसेज. जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबल सब्सटेंस. सॉल्ट एंड शुगर आर सोल्यूबल सब्सटेंस. जो नमक और चीनी है वो सोल्यूबल सब्सटेंस है. बिकॉज दे डिजॉल्व इन वाटर, क्योंकि वो पानी में घुल जाते हैं. सब्सटेंसेज विच डू नॉट मिक्सिस और डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इन सोल्यूबल सब्सटेंसेज. वुड सैंड आर इनसोल्यूबल इन वाटर. और जो पानी में नहीं घुलते वो इनसोल्यूबल होते हैं, जैसे कि लकड़ी और मिट्टी. द लिक्विड कैन ऑल्सो बी मिक्सड विद ईच अदर बट ऑल लिक्विड्स कैन नॉट बी मिक्सिस. जो सारे तरल हैं पानी में मिल जाते लेकिन कुछ तरल नहीं मिल पाते. फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड मिल्क मिक्सिस इन टू ईच अदर बट ऑयल कैन नॉट मिक्स इन वाटर. पानी और दूध मिल जाते हैं लेकिन जो अगर आप पानी में तेल डालोगे तो वो नहीं मिलेगा. वी कैन ऑल्सो मिक्स गैस इन लिक्विड्स. इन पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व इन वाटर. ड्रिंक्स आर बेसिकली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. और पानी में गैस भी मिक्स हो जाती है, जैसे कि जितनी भी ये सॉफ्ट ड्रिंक है इनमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स किया जाता है. नाउ ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटीज. टेक ए पीस ऑफ वुड एंड पुट इट इन वाटर. एक लकड़ी का टुकड़ा लेंगे और इसे पानी में डालेंगे. व्हाट हैपेंस विद इट. डज इट सिंक्स इन द वाटर. नो, इट फ्लोट्स ऑन द वाटर. नाउ टेक ए पीस ऑफ आयरन सिमिलर इन साइज ऑफ द पीस ऑफ वुड बट इट इन द वाटर. वट हैपन्स विद इट. इट सिंक्स इन द वाटर. लकड़ी तो तैर जाएगी लेकिन लोहा अगर डालेंगे तो डूब जाएगा.
Why does a wooden piece float on water while on an iron piece sinks? This is because of the weight of the object. ये सब किस लिए होता है? उसके किसी भी चीज़ के भार की वजह से, वेट की वजह से. द हैवीनेस और लाइटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज डेंसिटी. किसी भी चीज़ का भारीपन या हल्कापन उसकी क्या कहलाती है? डेंसिटी. इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ डेंसिटी लेस देन वाटर इट विल फ्लोट एंड इट एन ऑब्जेक्ट हैज़ डेंसिटी मोर देन वाटर इट विल सिंक. अगर किसी में डेंसिटी ज़्यादा होगी तो डूब जाएगा और कम होगी तो तैरने लगेगा. डिड यू एवर नोटिस दैट वेन समथिंग फ्लोट्स इन वाटर पार्ट ऑफ इट्स एक्चुअली अंडर वाटर एज इट सिंक्स इट पुशेज अवे द वाटर अंटिल दैट अमाउंट ऑफ वाटर वेट्स द सम एज द थिंग्स दैट इज फ्लोटिंग. इफ द थिंग यू ट्राई टू फ्लोट इज टू हैवी इट कैन नॉट पुश अवे इनफ वाटर टू बी द सेम एज हाउ मच इट वेट्स. इफ दैट हैपन्स द थिंग विल सिंक. इट इज़ नॉट जस्ट हाउ हैवी समथिंग इज दैट मेक्स इट फ्लोट और सिंक. लुक हाउ हैवी रियल बोट्स आर एंड दे स्टिल फ्लोट. फ्लोटिंग और सिंकिंग हैज़ टू डू विद द अमाउंट ऑफ वाटर पुश्ड आउट ऑफ द वे एंड द बोट विल सिंक इफ यू पुट इनफ स्टफ इनसाइड इट. आपने देखा होगा कि नाव भी तो भारी होती है लेकिन वो नहीं डूबती क्योंकि उसको सही ढंग से चलाया जाता है. अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा सामान भर दोगे तो वो डूब जाएगी. स्मॉल हैवी थिंग्स लाइक टू मार्बल और ए रॉक कैन नॉट फ्लोट बिकॉज दे कैन नॉट पुश इनफ वाटर आउट ऑफ द वे टू बी द सेम एज हाउ मच दे वेट. सो एनीथिंग दैट फ्लोट्स वेट द सेम एज द वाटर पुश्ड आउट ऑफ द वे. मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो तैरती हैं और कुछ चीज़ें डूब जाती है. किसी पदार्थ की डेंसिटी पर निर्भर करता है. अब हम इसके फिलअप्स करेंगे. देयर आर मैनी डैश इन डेली इन द ओल्डन डेज बाउलीज. इन सम एरियाज पीपल हैव टू गो लॉन्ग डैश टू फैच वाटर डिस्टेंसिस. टू डैश समवन्स थर्स्ट इज ए होली डैश इन आवर कंट्री. डीट डेंगली इज ऑल्सो कॉल्ड शेड ऑफ. वाटर एंड मिल्क डैश इन टू ईच अदर मिक्सिस बट डैश कैन नॉट मिक्स इन वाटर ऑयल. डैश और डैश फ्लोटिंग और सिंकिंग हैज़ टू डू विद द अमाउंट ऑफ वाटर पुश्ड आउट ऑफ द वे. ये फिलअप्स आप करेंगे. उसके बाद नेम द फॉलोइंग पिक्चर. ये पिक्चर देखिए, चैप्टर को आपने पढ़ा है, चैप्टर में से देख के आप इनके नाम यहाँ पे लिखेंगे या आप खुद से करेंगे. उसके बाद ट्रू और फॉल्स. देयर आर मैनी बाउलीज इन डेली इन ओल्डन डेज. ट्रू. इन सम एरियाज पीपल हैव टू गो लॉन्ग डिस्टेंस टू फ्रेश वाटर. बहुत पानी लेने के लिए दूर जाते थे लोग. ट्रू. अभी भी जाते हैं कई जगह पे. द बाउलीज वर नॉट यूजफुल फॉर ट्रेवलर्स. फॉल्स. द वाटर व्हील इज ए सिंपल मैकेनिकल डिवाइस. ट्रू. सैंड डिजॉल्व इन द वाटर. ट्रू. द हैवीनेस और लाइटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डेप्थ. फॉल्स. ये इसकी डेंसिटी कहलाती है. नेक्स्ट है राइट फ्लोट और सिंक फॉर द फॉलोइंग थिंग्स. ये चीज़ें देखिए और इनमें हम लिखेंगे कि कौन सी चीज़ अगर डूब जाती है तो सिंक, अगर तैरती है तो फ्लोट. जैसे कि पेंसिल लकड़ी की है, फ्लोट. रबड़ डूब जाएगी. ये गुलाब फ्लोट तैरेगा. चाबी डूब जाएगी सिंक. बोतल फ्लोट तैरेगी और ये सब भी डूब जाएंगे सिंक. उसके बाद राइट सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फॉर द फॉलोइंग थिंग्स. जो पानी में मिल जाती हैं उनके नीचे एस लिखना है, जो नहीं मिलती उनके नीचे आई लिखना है. जैसे ये पानी में नहीं मिलती, नहीं पानी में मिल जाती सॉरी एस. ये तेल पानी में नहीं मिलता तो इनसोल्युबल यानी आई. नमक मिल जाता है एस. हनी भी मिल जाता है. सैंड नहीं मिलता आई. ये मिल जाता है जूस एस. ये सारे एक्सरसाइज आप करेंगे. थैंक यू.